वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज की क्लास में हम CHO का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, पूरे 100 MCQs जो कि आपके एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज का पेपर है, यहाँ पर आपका जो भी आप किसी भी स्टेट का स्पेशली CHO एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ का पूरा सिलेबस इस पेपर में कवर होता है। 5-5 MCQs करके, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पूरा पेपर का जो फॉर्मेट है इंग्लिश में है। ANM वालों की रिक्वेस्ट है कि ANM की क्लासेस भी की जाएँ, तो बिल्कुल की जाएंगी ANM की क्लासेस आपकी। पूरे पेपर, पूरी क्लासेस आपको चैनल पे अपडेट की जाएंगी। और जो भी लोग MP व्यापम का पेपर दे रहे हैं ग्रुप 5 के लिए, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, उनके लिए पूरे प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है, बट अपकमिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वहाँ से आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एंटीनेटल विजिट है जो, सॉरी, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहले टोटल कितने एंटीनेटल विजिट करवाने चाहिए एक प्रेग्नेंट वूमेन को। एंटीनेटल विजिट का मतलब है प्रेगनेंसी में आपको एटलीस्ट कितने बार अपना चेकअप करवाना है। 2 times, 3 times, 1 time या फिर 5 time। आपने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू WHO के आपको एटलीस्ट 4 ANT विजिट क्या होती है, कंपलसरी होती है, मतलब ज़रूरी होती हैं। बट यहाँ पे कहा है कि एटलीस्ट मिनिमम आपको, यदि मिनिमम की बात की जाती है, एटलीस्ट की बात की जाती है, तो होंगी 3। 3 कब? एक आप 28 वीक में करवा लें, वंस अ मंथ, फिर होती है यहाँ पे आपकी ट्वाइस अ मंथ 36 वीक में। तो यहाँ पर यदि आपको एक आइडियल के हिसाब से आपको पूछते हैं कि आपको कब जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कितनी करवानी चाहिए, एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट तो रहती ही है, बट यदि एक आइडियल की बात करें तो आइडियल है जो 3 होना चाहिए। कितनी? 3। पहली विजिट आप कर लें, यदि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में आता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको 3 था, 1 था, 2 था या 5 था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो यदि आपको 3 और 5 दोनों ऑप्शन में आए कभी भी, तो आप 3 को मार्क कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 3 विजिट तो करनी ही चाहिए। और यहाँ पर यदि आपके पॉसिबल हो, बहुत सारे लोग, यदि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनको उतना पॉसिबल नहीं होता कि वो कंसीव करते ही साथ हॉस्पिटल पहुंच जाएं, वहाँ वो आंगनवाड़ी सेंटर्स जा सकते हैं जहाँ पे ANM वर्कर है जो पूरा उनको एक्सप्लेन कर सकती है कि आपको कब क्या करना है। बट एक एंटीनेटल विजिट की बात करें हम, तो आपको यहाँ पर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एटलीस्ट पूछें तो 3, लेकिन ऑप्शन में 4 है तो आप 4 को ज़रूर मार्क कीजिए, 3 को मत मार्क कीजिए। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन में आपको क्या है, 3 और 5 है, तो आप 3 को मार्क कीजिए। क्लियर? फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होना चाहिए, यदि 4 वाली पूछते हैं, 12 to 16 वीक के बीच में। दूसरी 20 से 24 में, जब 6 मंथ चलने लगे। तीसरी होगी 8वें महीने में, जब 28 से 32 वीक का टाइम हो। लास्ट होगी 36 to 40 वीक के बीच में। तो ये क्या हो गई, 4 होती हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम पूछते हैं आपसे तो 3। नेक्स्ट वन इज़ द WHO के अकॉर्डिंग पूछे तब 4। नेक्स्ट इज, इफ़ द वूमन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन। यदि कोई माँ अपने बच्चे को फीड नहीं कराती है, यहाँ पे कहा है डज नॉट नर्स हर चाइल्ड, मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो कब अपने आप रिज्यूम हो जाएगा, कितने दिनों के अंदर अपने आप बंद हो जाएगा फ्लो होना। 2 to 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 8 to 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, 6 to 8 वीक आफ्टर डिलीवरी। यदि माँ अपने बच्चे को फीड नहीं कराती है, तो जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, किसी किसी केस में 1 मंथ में ही क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाती है, किसी किसी में 1.5 महीने तक बिल्कुल 1 or 2 drop टाइप से ब्लीडिंग भी होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर सबसाइड का पूछा है कि प्रॉबेबली कम्प्लीटली, यदि आपने बच्चे को फीड नहीं कराया, जो परपीरियम पीरियड होता है कितने हफ्ते का होता है, 6 हफ्ते का होता है, तो यहाँ पर ये जो ब्लीडिंग है वो अपने आप 6 to 8 वीक में अपने आप सबसाइड हो जाएगी, ब्लीडिंग फिर नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ द
फॉलोइंग इज रिस्क एसोसिएटेड विथ प्लेसेंटा प्रीविया। यदि किसी पर्स लेडी को प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप हुआ है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि जो प्लेसेंटा सेंटर पार्ट में अटैच होना चाहिए उसकी जगह वो सर्वाइकल उसके यहाँ पे अटैच हो जाए, तब ये क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया, डाउनसाइड प्लेसेंटा में इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या रिस्क हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, एंटीपार्टम हेमरेज या फिर इन्फेक्शन। अब आपने APH पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ा है, BP पढ़ा, इन्फेक्शन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया है जो मेन रीज़न किसके लिए होता है, APH के लिए, एंटीपार्टम हेमरेज के लिए, बेबी डिलीवर होने के पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के पहले जो ब्लीडिंग होने लगे जनरली 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो वो कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज। और इसका एक ही मेन कारण है, वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिकल साइन होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होगी लेकिन आपको दर्द फील नहीं होगा, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है। पता ही नहीं चल रहा ब्लीडिंग हो रही है, ना कोई दर्द हो रहा है, ना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस ब्लीडिंग, ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज का एक मोस्ट कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद भी क्या है, जो कंसेप्शियस मटेरियल, जो फीटस है, वो क्या हो जाता है, यूट्रस में ही डेड हो जाता है, जिसको हम IUGR भी कह सकते हैं, स्टिल बर्थ भी कह सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया का एक मेन यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, होता है बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कैवा इन द फीटल लाइफ इट्स नोन एज। ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे आप इस पेपर को देखिए, पेपर आपको इसलिए सॉल्व करवाया जा रहा है कि आपको एक आइडिया हो कि जो पढ़ाया जाता है उससे आपको पेपर में आता है या नहीं, और आप जो सीरीज वाइज है वो भी देखें, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपके पेपर में कितना आया है। तो यहाँ पर ऐसा कनेक्शन जो कि अम्बिलिकल वेन, क्या है यहाँ पे, अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कैवा के बीच में फीटल लाइफ, मतलब जब जो फीटस है कहाँ पे यूट्रस में रहेगा, जब तक जो बेबी है या फिर हम इसके लिए फीटस ही कहेंगे, तब तक यूट्रस में वो फीटस ही कहलाएगा, जब बाहर आता है तब उसको हम न्यूबॉर्न में वो बेबी में कंसीडर करेंगे। फीटल लाइफ में जो अम्बिलिकल वेन है, इन्फीरियर वेना कैवा, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, जो क्या एडक्टस विनोसस आर्ट्रियोसस पल्मोनरी आर्टरी या फिर अम्बिलिकल आर्टरी, तो सबको पता है वेन्स के बीच का जो कनेक्शन है IVC और अम्बिलिकल वेन के कहलाता है डक्टस विनोसस। क्या है, डक्टस विनोसस। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रीन इज डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड। किसके कारण एमनियोटिक फ्लूड का कलर ग्रीन इस कलर का हो जाएगा, वर्निक्स के कारण, लेन्यूगो के कारण, मिकोनियम के कारण, कि हाइड्रोमनियोस के कारण। वर्निक्स तो चीजी सब्सटेंस रहेगा, बेबी की पूरी बॉडी को कवर करेगा वाइट कलर का, वो है लेन्यूगो है, टिनी फाइनी हेयर जो बेबी की पूरी बॉडी पर रहेंगे, इसको हम रोम कहते हैं। तो मालिश की जाती है बेबी होने के बाद, बेबी की रगड़ रगड़ के वो निकाला जाता है, क्या लेन्यूगो है। फिर आता है मिकोनियम, बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है। हाइड्रोमनियोस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूड इंक्लूड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जब ग्रीनिश डिस्कलरेशन है एमनियोटिक फ्लूड का कलर, तो एक इसके कारण है, कहलाता है मिकोनियम के कारण, मिकोनियम स्टैंड के कारण एमनियोटिक फ्लूड का कलर ग्रीनिश टाइप का रहेगा, ग्रीन टाइप का रहेगा। लेकिन यदि नॉर्मल पूंछ है, क्लियर कौन सा इस कलरलेस रहता है एमनियोटिक फ्लूड, लेकिन जब उसमें या तो स्टिल बर्थ हो या फिर कुछ एक्सीडेंटल कारण हुआ हो, टोबैको जूसी हुआ हो, तो ये सब अलग अलग रीजंस के कारण होगा। तो ऐसे ही ग्रीनिश कलर का होगा, किसके कारण, मिकोनियम स्टैंड के कारण। नेक्स्ट वन इज द मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज़। तो मेनोपॉज का मेन कारण क्या है, लैक ऑफ थायरोक्सिन, एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, लैक ऑफ एस्ट्रोजन। मेनोपॉज मतलब पीरियड्स का परमानेंटली सजेस्ट होना, और इसके लिए एज होती है आफ्टर 55, मेनली 50 और 55 में क्या हो जाता है, अपने आप पीरियड्स परमानेंटली आना स्टॉप हो जाते हैं। और जब पीरियड्स परमानेंट आना स्टॉप होते हैं, तब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ पर मेनोपॉज का मेन रीज़न क्या है,
लैक ऑफ एस्ट्रोजन, और जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है दी जाती है, क्योंकि जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस अगर होता क्यों है, एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल की कमी के कारण। तो यहाँ पर जब जिसकी कमी होती है उसी के थ्रू उसको ट्रीट किया जाएगा। मेन कॉज हो गया यहाँ पर क्या, एस्ट्रोजन की कमी। नेक्स्ट वन इज द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ, RBS के प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विच ईयर, तो RBS के प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 2013 में, 2008 में, 2012 में कि 2010 में। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ था कब, 2013 में, RBS के प्रोग्राम। RBS के प्रोग्राम से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जब आप CHO का एग्ज़ाम दे रहे हो तब। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि एक ऐसा कार्यक्रम है लॉन्च किया गया था RBS के प्रोग्राम कब, 2013 में। इसके तहत जो 4Ds आपको एग्ज़ाम में मिली है, 4Ds ही आते हैं, जिसमें जन्म से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को कवर किया जाता है, जिसमें डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशियंसीज, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी क्या है शामिल हैं, जो कि 4Ds यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इज हु डिफाइंस एडोलेसेंट एज ग्रुप बिटवीन, तो जो आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 नंबर के किशोरावस्था से क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप की एज क्या है, तो सबको पता है 10 से 19 साल, कितनी, 10 टू 19 ईयर, 10 से 19 साल तक। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग में कितनी स्पाइनल नर्व है जो पाई जाती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइनल नर्व्स के लिए पेयरिंग में पूछा है, क्या है, पेयर्स में पूछा है, तो कितनी होती हैं, पेयर्स में होती हैं 31, कितनी 31, क्रैनियल पूछें तो 12 पेयर में, स्पाइनल पूछें तो 31 पेयर में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, तो आँखों की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा या फिर कॉर्निया, सबसे अंदर की लेयर कौन सी है आँखों की, तो वो है रेटिना, क्या है, रेटिना, रेटिना के लिए इनर लेयर कहा गया है आँखों की। यहाँ पे आप इनर, आउटर, ऑप्टिक डिस्क, डिस्क, ब्लाइंड स्पॉट, ये सब आपको आते हैं, किसी न किसी एक एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पर मेनली एग्ज़ाम में आपको आँखों से या तो लेयर्स आ सकती हैं, स्नेलन चार्ट आ सकता है, सियारा चार्ट आ सकता है, या फिर आपको ब्लाइंड स्पॉट आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स मैनेज योर स्लीप साइकिल बाय रिलीजिंग मेलाटोनिन, अ हार्मोन दैट कॉज यू टू फील स्लीपी, कौन सा हार्मोन है जो कि आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलाटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, जिसके कारण आपको नींद नींद सी फील होगी, पिनियल ग्लैंड रिलीज करेगी, पिट्यूटरी करेगी, एड्रिनल करेगी कि नन ऑफ दीज, तो पिनियल ग्लैंड, कौन सी, पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करेगी, जिसके कारण आप क्या फील करेंगे कि अब नींद आ रही है, और जो आप बुक्स खोलेंगे तो आपको पता नहीं कि मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है या कम, नींद तो ज़रूर आने लगेगी। ये चीज़ यदि सही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करेगा आपकी बॉडी में, आपकी स्लीप साइकिल को मैनेज करने का काम करेगा, और ये हार्मोन रिलीज करेगी पीनियल ग्लैंड। पूछें कि होती कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन क्या है, ब्रेन में ही, कहाँ पर, ब्रेन में, जो कि 100 से 150 मिलीग्राम की mg की छोटी सी ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है, हाईली वेस्टुलाइज्ड ग्लैंड है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर रहेगी, जहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल होगा, थर्ड वेंट्रिकल के पास में। तो आपको मेनली इसमें यही बेसिक याद रखना है कि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करेगी, जो कि आपकी स्लीप साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इसकी सिचुएशन, लोकेशन कहाँ पे, ब्रेन में। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग SDGs ऑल्सो इंक्लूड द फोकस ऑन रिड्यूसिंग मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, तो जो SDG के
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्या हैं, SDG जो गोल्स हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स हैं? टोटल 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कहा है कि कौन से गोल में कहा गया है कि मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड मॉर्टेलिटी को हमें क्या करना है, कम करना है। सेकेंड गोल में, थर्ड में, फोर्थ में कि फिफ्थ में? तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इसमें जो गोल नंबर थर्ड है, क्या है गोल नंबर थर्ड है, इसमें क्या कहा गया है कि हमें मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फर्स्ट गोल में यहाँ पे कहा गया है नो पॉवर्टी, क्या है नो पॉवर्टी। दूसरे में कहा गया है जीरो हंगर। तीसरे में कहा है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसी गुड हेल्थ एंड वेलबींग में आ जाएगा मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी को हमें क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट वन है, पूरे 17 गोल याद रखें आप, SDG के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक कुछ दो में से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आता ही आता है। अभी रिसेंट में जो 2023 में पेपर हुए हैं उसमें मेनली SDG से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर नेशनल वेक्टरबॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो मैंने आपको कल की ही क्लास में पढ़ाया था कि जो नेशनल वेक्टरबॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें टोटल 6 डिसीज होती हैं। तो जो यहाँ पे नहीं है वो कौन सी होगी? मलेरिया होती है, फाइलेरिया होती है, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होगा, लेकिन एड्स इसका पार्ट नहीं है। एड्स नेशनल वेक्टरबॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन इज द त्रिपुरा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम फॉर पुअर वॉज लॉन्च इन विच ईयर। त्रिपुरा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम जो पुअर के लिए लाई गई थी, THASP था स्कीम, शॉर्ट नेम यदि याद रखें तो, ये कब हुई थी? 2014 में। कब? 2014 में। नेक्स्ट वन इज द यहाँ पर त्रिपुरा के बारे में, अब आप यदि कोई और स्टेट का पेपर देते हैं तो वहाँ का भी आपको पूछ सकते हैं। अंडर नेशनल ट्यूबर क्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो TB का जो प्रोग्राम था उसका नया नाम क्या है? नेशनल ट्यूबर क्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। हाउ मेनी सब डिस्ट्रिक्ट TB यूनिट आर देयर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा की जगह महाराष्ट्र पूछ सकते हैं, MP पूछ सकते हैं, UP पूछ सकते हैं। तो NTEP के अकॉर्डिंग कितनी सब डिस्ट्रिक्ट TB यूनिट हैं त्रिपुरा में? तो है टोटल मिला के 18, कितना? 18। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलीज्ड द ग्लोबल TB रिपोर्ट 2022? 2022 की जो ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है? WHO ने, UNDP ने, यूनिसेफ ने कि ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट TB ने? तो जो TB की रिपोर्ट है 2022 की, ये हर साल रिलीज़ करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन? WHO। क्या है? WHO। TB से आपको इसका जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रग्स आती हैं इसकी, डॉट्स कितने महीने तक दिया जाता है। TB के लिए आप यदि कम्युनिटी बेस्ड है पूरा डायग्नोस करना है तो कैसे पता करेंगे? स्पूटम बेस्ड होगा कि माइक्रोस्कोपी बेस्ड होगा कि चेस्ट एक्सरे होगा? और जो TB का बैक्टीरिया है वो क्या है? वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जील नेल्सन मेथड के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो माउंटेक्स टेस्ट है इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ये TB को लेके बेसिक आपके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज द चीफ मिनिस्टर मिशन दृष्टि प्रोग्राम इज लॉन्च बाय ऑनरेबल CM गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो दृष्टि प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था कब? 10 मार्च 2022, 18 मार्च 2021, 12 मार्च 2021 या फिर 19 मार्च 2019। तो ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था 12 मार्च 2021 को। कब? 12th मार्च 2021 को दृष्टि प्रोग्राम। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोग्राम आता है अभी, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इसको कब मनाते हैं? जैसे मलेरिया मंथ तो हम जून में मनाते हैं, वैसे ही वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, जनवरी तो हम मनाते हैं, अगस्त में। कब?
अगस्त में हम हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को लेके हम अवेयरनेस फैला सकें, जागरूकता फैला सकें। इसलिए नेक्स्ट वन इज द आपका राष्ट्रीय पोषण माह इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ। पोषण माह क्या है? पोषण माह को आप कब है जो सेलिब्रेट करेंगे? ऑप्शन में जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर दिसंबर में। तो जो राष्ट्रीय पोषण माह है, क्या है? राष्ट्रीय पोषण माह हम हर साल सितंबर में, कब? सितंबर में इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करेंगे। और ये प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय पोषण माह प्रोग्राम को या फिर पोषण अभियान को 2018 में, कब? 2018 में। पोषण का फुल फॉर्म आपको आता है, यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण माह कहा है कि सितंबर में मनाते हैं, लेकिन पोषण अभियान पूछते हैं, 2018 में लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो ये प्रोग्राम 2018 में लाया गया था, और इस प्रोग्राम के तहत जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या थे? कि जो कम्युनिटी में जितने भी माल नरिश्ड बच्चे हैं या फिर वुमन हैं, उनको न्यूट्रिशन और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना। क्लियर? 2018 में लाया गया था प्रोग्राम, फिर यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। मैंने इसका डेट याद रखा है, और सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ था, इसीलिए हम हर साल सितंबर को पोषण माह अभियान के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट कालाजार फ्रॉम कंट्री वाइड। तो केंद्रीय सरकार ने या फिर यूनियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम कालाजार को कब एलिमिनेट करेंगे इंडिया से, 2023, 25, 30 या फिर 32 में। तो ये टारगेट अचीव करने का रखा है कि 2023 में, इसी साल में हमें कालाजार से क्या करना है, मुक्ति पानी है। 2023 का टारगेट रखा है कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द हु इज़ द करेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो करेंट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है, वो कौन है? ऑप्शन में है यहाँ पर नरेंद्र चंद्र देवन्ना, डॉक्टर मनीक साह, प्रणजीत सिंह रॉय या फिर मनोज कांत देव। रिसेंट में त्रिपुरा के जो करेंट हेल्थ मिनिस्टर है, वो कौन है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डॉक्टर मनीक साह। कौन है? डॉक्टर मनीक साह। अभी भी इवन प्रेजेंट में भी वहाँ के कौन है, हेल्थ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के। नेक्स्ट वन इज IPHS फॉर सब सेंटर, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और पब्लिश्ड इन जनवरी फरवरी 2007 एंड हैव बीन यूज्ड एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड अपग्रेडेशन इन द स्टेट एंड UTIs IPHS स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर IPHS स्टैंडर्ड लाया गया था, जो भी PSC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, उनके लिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का फुल फॉर्म, IPHS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन इज द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। इजी सा क्वेश्चन है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1992 में, 1990 में, 1995 में कि 2000 में? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1992 में, 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होगा? क्लब फूट होगा, रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, फिर स्केलेटल डिस्प्लासिया होगा। कितने इजी क्वेश्चन है इस पेपर में कि जो विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स। क्या होगा? रिकेट्स। बच्चों में पूछा है तो यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछे रिकेट्स है, तो आप रिकेट्स को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एडल्ट में पूछे तो ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर वुड मोस्ट लाइकली प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक टू ट्रीट व्हाट टाइप ऑफ पैथोजन।
यदि किसी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है तो ये किसके लिए किए? फंगई इन्फेक्शन को, हेलमेंथिस को, वायरस को कि बैक्टीरिया को? फंगई के लिए एंटी फंगल मेडिसिन आएंगी, हेलमेंथिक के लिए जो एल्बेंडाजॉल है वो सब आएंगे, वायरस के लिए एंटीवायरल आएंगे जैसे ओसेल्टामिविर हो गए, ड्रग ऑफ चॉइस सेम फ्लू के लिए, सॉरी स्वाइन फ्लू के लिए। बैक्टीरिया के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएंगी वो कहलाती है एंटीबायोटिक। क्लियर? इफ एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इज सस्पेक्टेड इन अ पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी इंस्टीट्यूटेड फर्स्ट टू ओपन एयरवे? जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आपके एयरवे में फंस जाए कैसे आप रिमूव करेंगे? इंट्यूबेशन से, शिफ्टिंग टू हॉस्पिटल, हैमलेश मैन्यूवर या पिट्रॉन पोजीशन में? तो यहाँ पर जो अपनाया जाएगा, फर्स्ट आप एयरवे को कैसे खोलेंगे यदि फॉरेन मटेरियल फंस गया है, तो आप अपनाएंगे यहाँ पर हैमलेश मैन्यूवर। कौन सा? हैमलेश मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज द एन ऑस्मोटिक डायरेटिक यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड ICP इज? यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो कौन सी ऑस्मोटिक डायुरेटिक को यूज़ किया जाता है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑस्मोटिक डायुरेटिक कौन सी है ICP बढ़ने के लिए? फ्रूसेमाइड, केएक्सलेट, मैनिटॉल या फिर वायसोलोन? तो जो डायुरेटिक यूज़ की जाएगी, ऑस्मोटिक डायुरेटिक, सबको पता है क्या है, मैनिटॉल यूज़ की जाती है। GSF का लेवल क्या हो रहा है? अक्यूमुलेट होते जा रहा, बाहर नहीं निकल रहा, तो मेडिसिन बाहर निकालेगी। जब फ्रूट बाहर निकलेगा तो अपने आप आपका जो प्रेशर है दिमाग का वो अपने आप कम होगा, जिसको हम कहते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग एयरवे इंटरवेंशन? तो एयरवे इंटरवेंशन को सिलेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? एक्सटेंट ऑफ इंजरी, टाइप ऑफ इंजरी, अलर्टनेस लेवल ऑफ द पेशेंट या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट? क्या है जो आप एयरवे इंटरवेंशन के लिए अपनाएंगे, वो होगी आपकी टाइप ऑफ इंजरी। टाइप ऑफ इंजरी का मतलब है कि कौन सी इंजरी है जिसके कारण एयरवे को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, कि यदि कुछ इस तरीके से इंजरी तो नहीं है कि जिसमें स्पाइनल या फिर सर्वाइकल एरिया डैमेज होने के चांसेस हों, तो ये वही चीज़ है कि डिपेंड करेगा इंजरी पर, किस पर? इंजरी पर, कि किस तरीके की इंजरी है जो हुई है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन? तो कौन सा जॉइंट है सभी डायरेक्शन में घूम सकता है, मूव कर सकता है? पिवट, हिंज, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर प्लेन जॉइंट? तो जो जॉइंट मूवेबल हो और इस सभी डायरेक्शन में घूम सकते हैं वो होंगे आपके वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन से? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट वन इज द ग्लोबल नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन एडल्ट ह्यूमन इज? तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो एडल्ट पर्सन में कितना होगा? 50 ml पर मिनट पर 50 g ऑफ ब्रेन टिश्यू, या फिर 50 ml पर मिनट 100 g ऑफ ब्रेन टिश्यू, या फिर 100 ml पर मिनट 50 g ऑफ ब्रेन टिश्यू, या फिर 100 ml पर मिनट 100 g ऑफ ब्रेन टिश्यू? नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है एडल्ट पर्सन में 50 ml पर मिनट पर 100 g ऑफ ब्रेन टिश्यू के, ना 50 ml पर मिनट पर 100 और 100 g ऑफ ब्रेन टिश्यू के, एक है सेरिब्रल ब्लड फ्लो की रेंज है नॉर्मली। नेक्स्ट इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेसेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ? जब कोई भी वर्ड बार बार रिपीट किया जा रहा हो बिना किसी मीनिंग समझे, तो ये क्या, कब, किस एज में किया जाएगा? इन्फेंसी पीरियड में, टोटलर पीरियड में, प्री स्कूलर में, कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में? तो बार बार कोई भी शब्द कौन से बच्चे दोहराएंगे? दोहराते हैं टोटलर, जिनकी उम्र 1 से 3 साल की होती है। क्या है? 1 से 3 साल की होगी, बार बार वही एक चीज़ है जो बोलेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन चिल्ड्रन विथ विल्म्स ट्यूमर मेटास्टेटिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन? बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर है ये, इवन ये पेपर ANM वाले भी देख सकते हैं, तो पेपर CHO का, लेकिन ANM वाले भी इस पेपर को देख सकते हैं कि जो विल्म्स ट्यूमर है, क्या है? विल्म्स ट्यूमर है, इसमें मेटास्टेटाइजेशन होगा, तो ये किस पार्ट में होगा? तो बच्चों में विल्म्स ट्यूमर होता है किडनी में। कहाँ पर? किडनी में। मोस्ट कॉमन ट्यूमर है बच्चों में वो क्या होता है? विल्स ट्यूमर, और कहाँ होता है? किडनी में। नेक्स्ट वन इज अ नेफ्रोन इज
मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, सॉरी अ न्यूबॉर्न इज मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीदिंग, हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट, इमीडिएट मैनेजमेंट वुड बी। तो यहाँ पर यदि मेकोनियम स्टैंड कर गया बेबी, मुंह में ही है लेकिन अभी मेकोनियम अंदर एस्पिरेट नहीं हो पाया है, मुंह में है मेकोनियम, न ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट रेट 80 बीट पर मिनट है, इमीडिएट मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होगा, इंट्यूबेशन होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होगा, वार्म्थ एंड सक्शनिंग होगा कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो मेकोनियम मुंह में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे साफ साफ कहा है मेकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ। तो ऐसे केस में आपको बेबी को कवर करना है, वार्म करना है और सक्शनिंग करनी है, कहाँ पर, मुंह में। सबसे पहले आप सक्शनिंग करेंगे, वार्म्थ करेंगे बेबी को, तो अपने आप, क्योंकि क्या है, मुंह में ही है मेकोनियम, अंदर एस्पिरेट नहीं हो पाया है, एस्पिरेट होता तब आप आगे के प्रोसीजर अपनाते, बट बिफोर दैट मुंह में ही यदि मेकोनियम है तो आपको क्या करना है, जो आप सक्शनिंग है वो करेंगे, सक्शनिंग आप पहले मुंह में करेंगे फिर आफ्टर दैट नोज में करेंगे। नेक्स्ट वन इज द हैंड फूड सिंड्रोम, हेमेथ्यूरिया एंड ऑटोस्प्लीनेक्टोमी आर सीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, हैंड फूड सिंड्रोम, हेमेथ्यूरिया और ऑटोस्प्लीनेक्टोमी ये कंडीशन है किसमें देखने को मिलेंगी, हीमोलाइटिक एनीमिया में, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, सिकल सेल डिसीज की, क्रिसमस डिसीज में, ये सभी यहाँ पर ब्लड रिलेटेड डिसीज बताई गई हैं, हैंड फूड सिंड्रोम, हेमेथ्यूरिया और जो ऑटोस्प्लीनेक्टोमी है, तीनों क्लासिकल साइन है या फिर थ्री ट्रायड साइन है किसके, सिकल सेल डिसीज के, किसके, सिकल सेल डिसीज के। इस डिसीज में होगा क्या, डिसीज है क्या, एक इनहेरिटेटेड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड ग्रुप की डिसीज है, हमें भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला प्रोटीन जो कि ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन, उसमें क्या रहेंगी, आरबीसीज रहेंगी, और जो आरबीसी क्या रहेंगी, सिकल शेप में रहेंगी, हसियाकार तरीके से रहेंगी, जो कि ब्लड फ्लो को क्या करेंगी, डिस्टर्ब करने का काम करेंगी। तो एक इसमें देखने को मिलेंगे हेमेथ्यूरिया, ऑटोस्प्लीनेक्टोमी, हैंड फूड सिंड्रोम, सिकल सेल डिसीज में। नेक्स्ट वन इज द बेबी बॉर्न बिफोर 28 वीक्स जेस्टेशन आर टर्म्ड एज़, यदि बेबी 28 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही पैदा हो जाते हैं तो क्या कहलाएंगे, लो बर्थ वेट बेबी, तो 37 वीक में कहलाएंगे, लेट प्री टर्म बेबी, तो 36 वीक में आएंगे, वेरी प्री टर्म 25th में आएंगे, और जो एक्सट्रीम प्री टर्म है आएंगे आपके कब, 28 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में। यदि जो बच्चे 28 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में डिलीवर हो जाते हैं वो कहलाएंगे एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबीज, और ऐसे बेबीज को है जो SNCU में शिफ्ट किया जाता है जहाँ से उनकी प्रॉपर एक आध महीने तक केयर की जाती है। नेक्स्ट वन इज तक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग लो बर्थ वेट बेबीज एक्सेप्ट, सभी लीडिंग कॉज है लो बर्थ वेट बेबीज की डेथ के, किसी एक को छोड़कर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बच्चे 37 वीक के जेस्टेशन पीरियड के पहले पैदा हो जाते हैं, तो इनमें माल फॉर्मेशन होने के चांसेस होंगे, एटलैक्टेसिस मतलब लंग्स सिकुड़े हुए कोलैप्स होने के चांसेस होंगे, पल्मोनरी हेमरेज होने के चांसेस होंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग ये यहाँ पर लीडिंग कॉज डेथ का नहीं होगा बच्चे में। इवन जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनमें यदि प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो ठीक हो जाते हैं, तो यहाँ पर डेथ के कारण पूछे हैं, तो ब्रेस्ट फीड करने के कारण तो बेबी की डेथ नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज अ टोडलर रिटर्निंग टू प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट्स कॉल्ड, तो टोडलर जब अपनी प्रीवियस डेवलपमेंट स्टेज में आते हैं तो ये क्या कहलाएगा, सेपरेशन एंजाइटी, टेम्पर टेंट्रम, नेगेटिविज्म या फिर रिग्रेशन, ये कहलाएगा रिग्रेशन, क्या कहलाएगा, रिग्रेशन। नेक्स्ट वन इज अ डिफेक्ट इन ब्रेन डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन मिसिंग ब्रेन हेमिस्फीयर स्कल एंड स्कैल्प इज कॉल्ड, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ब्रेन डेवलपमेंट का डिफेक्ट है जिसमें ब्रेन के हेमिस्फीयर, ब्रेन स्कल्प और स्कैल्प क्या है, एब्सेंट है या फिर मिस है, तो माइक्रोसेफेली है, एनसेफेली है, हाइड्रोसेफेलस है कि नन ऑफ द अबव, तो हाइड्रोसेफेलस बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रोसेफेलस में तो क्या होगा, सी एस एफ का अक्यूमुलेशन होगा,
कहाँ पे ब्रेन में, लेकिन यहाँ पर तो मिसिंग की बात हो रही है। ये कहलाएगा आपका एन एनसेफेली। माइक्रो में होते सब छोटे छोटे होते, लेकिन मिसिंग कहाँ है, मतलब एबसेंट ही है, तो ये कहलाएगा आपका एन एनसेफेली। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द क्रैनियल सूचर्स इज कॉल्ड। यदि जो क्रैनियल सूचर हैं ब्रेन में टाइम के पहले क्लोज हो जाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, इंट्राक्रैनियल एंट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, क्रैनियोस्टेनोसिस, आर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन, या फिर फैगियोसेफेली। ये क्या कहलाएंगे, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ क्रैनियल सूचर्स। ये कहलाएगा आपका क्रैनियोसाइनोस्टेनोसिस। क्या है, क्रैनियोसाइनोस्टेनोसिस, क्योंकि टाइम के पहले ही, जिस ड्यूरेशन में क्लोज होना चाहिए उसके पहले ही यदि क्लोज हो जाते हैं, तो इनके लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो कहलाएगा क्रैनियोसाइनोस्टेनोसिस। नेक्स्ट वन इज एन यूरेथ्रल डिफेक्ट इन विच द ओपनिंग इज ऑन द वेंट्रल सरफेस। यदि ओपनिंग वेंट्रल सरफेस पर है पेनिस में, तो ये क्या कहलाएगा, एपिस्पैडियासिस, हाइपोस्पैडियासिस, यूरेट्रोसील, या फिर यूरेट्रोपेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो यूरेथ्रल डिफेक्ट, जिसमें जो ओपनिंग है, क्या है, जो यूरेथ्रल डिफेक्ट में जो ओपनिंग है कहाँ पर है, जनरली डाउन साइड होना चाहिए, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर रहेगी, तो ये कहलाएगा हाइपोस्पैडियासिस। क्या है, हाइपोस्पैडियासिस। यदि यही चीज़ डॉर्सल सरफेस में होती तब आप इसको कहते हैं एपिस्पैडियासिस। क्लियर। क्या है, यूरेट्रोसील में क्या होगा कि जो यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा है, यहाँ पर आपको एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि हर्निएशन टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लेकिन जो वेंट्रल सरफेस आपसे जब भी पूछें तो हाइपोस, और डॉर्सल पूछें तो एपिस्पैडियासिस। नेक्स्ट वन इज द हायर पिच्ड क्लिक में अकर विथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द हिप इज अ साइन ऑफ। जब आपने एक साउंड टाइप से सुना हो, कहते हैं चट चट आवाज़ आ रही है, तो वही क्लिक साउंड, हायर पिच्ड क्लिक साउंड आपको सुनाई देगा जब आप अपने पैर को क्या करते हैं, झटके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। तो ये किसका साइन, ऑस्टियोमाइलाइटिस का, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप, टीबीआर है, परसेप्टिक अर्थराइटिस का। तो ये आपका डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप का। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको आपने अपने हाथ पर झटके तो आपको साउंड आए चट या फिर क्लिक, तो ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके हिप डिस्प्लासिया हुआ है। लेकिन बेस्ड ऑन एग्ज़ाम की यदि बात करें, तो यदि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही जब चेक किया जाता है, तो हायर पिच्ड क्लिक साउंड आएगा, तब इस किसका साइन माना जाता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप। ऑटोनली साइन आपने पढ़ा होगा, ऑटोनली साइन जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनमें चेक किया जाता है हिप डिस्प्लासिया के लिए। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंटीनेटल केयर के सभी ऑब्जेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर, टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, टू फोरसी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट देम, टू अटेंड टू द अंडर फाइव अकम्पनिंग देम, टू प्रोवाइड केयर फॉर द फैमिली। तो यहाँ पर एंटीनेटल केयर में आप मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करेंगे, कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ट्रीटमेंट देंगे ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सकें, और अंडर फाइव अकम्पनिंग देम करेंगे, मतलब जो क्लीन प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन जो चीज़ नहीं करना है वो फैमिली की केयर। आप एंटीनेटल विजिट में माँ और जो उसके यूट्रस में बेबी, उसकी केयर करेंगे, ना कि फैमिली की केयर करने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिट टू द एंटीनेटल क्लिनिक बाय द 8th मंथ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि जब 8वें महीने की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वुमेन को कितने बार, कितनी फ्रिक्वेंसी में जाना चाहिए चेकअप कराने, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ, या फिर एवरी वीक। तो 8 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो ट्वाइस अ मंथ, कितना, ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार, फिर 9 मंथ में एवरी वीक। ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग से लेके 7वें महीने तक आप एवरी मंथ में एक बार जा सकते हैं, लेकिन 8वें महीने में 2 बार जाना है और 9वें महीने में एवरी वीक। और आपका क्वेश्चन नंबर 44, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो प्रेगनेंसी में आपका रजिस्ट्रेशन, यदि 12 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है उसके अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ANM की, डॉक्टर की, नर्स की, कि सोशल वर्कर की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ANM वर्कर की, विद इन 12 वीक ऑफ
प्रेगनेंसी में आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए, जो भी आपके सब सेंटर हैं, CSC है, PSC है या फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट इज लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ अ वुमेन इज 7 फरवरी, व्हाट इज हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, EDD कैलकुलेट करके बताइए। EDD आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? EDD कैलकुलेट करने के लिए कहा है, LMP क्या है, 7 फरवरी। अब इस 7 फरवरी से आप 9 मंथ कैलकुलेट कीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या हो गया, नवंबर, 7 नवंबर। आप इस 7 नवंबर में आप 7 दिन और जोड़ दीजिए तो आपकी EDD निकल के आ जाएगी, बहुत ही इजी है। जो LMP का पहला दिन, LMP का फर्स्ट दिन कहा है यहाँ पर 7 तारीख, क्या है, 7 फरवरी है। फिर इस 7 फरवरी में आपको 9 महीने और जोड़ देना, फिर 9 महीने में 7 दिन और जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका, 14 नवंबर, 14th नवंबर है जो EDD निकल के आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है टोटल प्रेगनेंसी का वो 280 डेज होता है, एग्ज़ाम में आपको आता है नॉर्मल कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, 280 दिनों की। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटीनेटल वुमन द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड पाल्पेट द फंडस फ्लैट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बिलिकस। दिस फीचर इज सीन एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंटीनेटल चेकअप कर रही है कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पालपेट करती है जो फंडस है अम्बिलिकस के नीचे की तरफ है, तो किस वीक में होगा, 12, 18, 20 या फिर 37 वीक में, तो ये देखने को मिलेगा 20 वीक की प्रेगनेंसी में। 20 वीक की प्रेगनेंसी तक जो फंडस है, यूट्रस की जो हाइट है, फंडल हाइट, वो लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बिलिकस मतलब 1 फिंगर नीचे रहेगी। आफ्टर 20 वीक के बाद अम्बिलिकस के ऊपर जाना स्टार्ट होती है और एक्सिफेस्टर्नम तक पहुँचेगी 36 से 37 वीक में। नेक्स्ट वन इज द फीटल मूवमेंट दैट कैन बी फेल्ट बाय द एग्जामिनर एट द विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ जेस्टेशन। फीटल मूवमेंट है जो कि एग्जामिनर को फील हो रहे हैं किस वीक में, 3 से 4 वीक, 12 से 14, 14 से 16 या फिर 18 से 22 में। तो जनरली यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रीमी या फिर मल्टीपैरा नहीं कहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 18 से 22 में। जनरली ये प्रीमी में 20 में और जो मल्टी होती हैं उनमें 16 वीक के बाद ही फील होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 16 वीक मतलब उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस सब जगह बोलता है, वैसे ही फीटल मूवमेंट भी 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में क्या होने लगेंगे, फील होने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज द मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं एनीमिया के लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब प्रेगनेंसी 25th वीक के बाद से, क्या है, 25th वीक के बाद से जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी डिवाइड होती है, 1st, 2nd, 3rd, तो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है, इसमें आयरन की कमी होती है, एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो इसके लिए मेन क्या है, आयरन और फॉलिक एसिड की कमी का होना, आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी मेन रीजन होता है एनीमिया के लिए। नेक्स्ट इज द हाई ब्लड शुगर दैट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यूजुअली डिसअपीयर्स आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड। ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है प्रेगनेंसी में, लेकिन जैसे ही बेबी पैदा होता है ठीक होने लगता है, तो क्या है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 जेस्टेशनल या फिर अर्ली ऑनसेट डायबिटीज। प्रेगनेंसी में बस यदि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़। यदि नॉर्मली आपका जो बड़ा हुआ है तब हम उसको डायबिटीज़ तो कहेंगे ही, लेकिन प्रेगनेंसी में बस बढ़ता है, बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद सबसाइड हो जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगेगा, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाएगा। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली माँ होती हैं इनके बच्चों में बर्थ वेट की बात करें 4 kg से ज़्यादा तक के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट वन इज कीपिंग द बेबी क्रिब बाय द साइड ऑफ द मदर इज कॉल्ड। बेबी का क्रिब है, झूला हम जिसको कह सकते हैं, माँ के बेड के बाजू में रखें, साइड में रखें, तो क्या है, लेटिंग इन, रूमिंग इन, शेयरिंग इन की स्लीपिंग इन, ये कहलाएगा रूमिंग इन, क्या है, रूमिंग इन।
द मेजर टेकन बाय अ कपल टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज एंड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। जो कपल्स कुछ ऐसी मेथड अपनाते हैं जिससे आप प्रेगनेंसी के बीच में या तो इंटरवल रख सकते हैं कि आपका एक बच्चा हो गया, आपको अब दूसरा बच्चा 2-3 साल बाद चाहिए, कुछ मेथड्स अपनाएंगे या फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए मेथड अपनाएंगे, वो क्या है? करेंटली मैरिड कपल वेयर इन द वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज विच इज द बिटवीन 15 and 45 years कॉल्ड एज। यहाँ पर देखिए मैरिड कपल है, क्या है? कपल मैरिड है। यहाँ पर जहाँ वाइफ की एज कहा है कि रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब 15 से 45 साल के बीच में उसकी एज है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यदि पूछा जाता है तो फीमेल में कंसिडर किया जाता है 15 से 45 साल तक। 15 से 45 साल क्यों? क्योंकि इस टाइम पर पीरियड्स आते हैं, जो ओव्यूलेशन होगा, जिसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए जो सोवम की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाएगा? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि 15 से 45 साल है। तो ये कौन से कपल कहलाएंगे? टारगेट कपल, प्रोटेक्शन कपल, एलिजिबल कपल और अप्रोप्रिएट कपल। तो इस कैटेगरी के कपल कहलाएंगे एलिजिबल कपल। कौन सी कैटेगरी? एलिजिबल कपल की कैटेगरी ये कहलाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। तो यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर है जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का पता चले कि कम्युनिटी में कितनी यूज की गई है? ऑप्शन में ग्रोथ रेट, कॉन्सेप्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट या फिर फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर कहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस किस हद तक अपनाई गई है कम्युनिटी में, तो ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर ये चीज़ पता चलेगी कपल प्रोटेक्शन रेट से। किससे? कपल प्रोटेक्शन रेट से। इससे पता चलेगी कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट का मतलब है ऐसे एलिजिबल कपल जिन्होंने जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाई हैं, वो जिनके लिए हम कहेंगे कपल प्रोटेक्शन रेट। रेट का मतलब है यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाइड करके एक फार्मूला अपनाया जाएगा कपल प्रोटेक्शन रेट के लिए, उसके थ्रू इसको क्या किया जाएगा? कैलकुलेट किया जाएगा। कपल प्रोटेक्शन रेट के तहत कितनी कॉन्ट्रासेप्टिव अपनाई गई हैं वो यहाँ पर पता चलेगा। अब कितनी कॉन्ट्रासेप्टिव अपनाने के बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो वो कहलाता है पर्ल इंडेक्स। एग्जाम में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के लिए कौन सा इंडेक्स अपनाया जाता है, तो वो होता है पर्ल इंडेक्स। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस कितनी अपनाई गई है, कितने परसेंट अपनाई है, क्या इंडिकेटर होगा, तो वो कहलाएगा कपल प्रोटेक्शन रेट। नेक्स्ट वन इज द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अडॉप्टेड टू प्रिवेंट लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम इट्स कॉल्ड एज। ऐसी मेथड जिसमें स्पर्म को ओवम से मिलने से रोका जाएगा, तो ये कौन सी मेथड कहलाएगी? बैरियर, हॉर्मोनल, पोस्ट कंसेप्शनल या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो ये कहलाएगी बैरियर मेथड। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कॉन्डोम, कॉन्डोम में पूरा सीमेन भर जाएगा इंटरकोर्स के टाइम पर यूज़ किया जाता है जब, तो ना तो जब सीमेन वेजाइना के थ्रू जा पाएगा तो ओबम से भी नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे साफ कहा है कि लाइव स्पर्म को ओबम से मिलने से रोकना है हमें, तो कौन सी मेथड अपनाएंगे? बैरियर मेथड। सबसे चीपेस्ट बैरियर मेथड है कॉन्डोम, जो कि यदि आपको पूछते हैं कि वर्ल्ड स्पेशली इंडिया की बात करें तो सबसे कॉमन स्टरलाइजेशन है फीमेल स्टरलाइजेशन और ट्यूबेक्टोमी। बैरियर मेथड कॉमनली यूज की जाती है, वो है कॉन्डोम। नेक्स्ट इज द मोस्ट वाइडली नोन एंड यूज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय द मेल्स अराउंड द वर्ल्ड इज। देखिए अभी मैंने 54 क्वेश्चन में समझाया और यहाँ पे पूछ लिया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कौन सी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाई जाती है मेल्स के द्वारा। डायफ्राम, कॉन्डोम, स्पंज या फिर वैसेक्टोमी। यदि परमानेंट मेथड पूछे तब आप वैसेक्टोमी कहते। डायफ्राम है जो फीमेल में यूज़ किया जाता है, मेल में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वाइडली अपनाई जाने वाली बैरियर मेथड है कॉन्डोम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द बैरियर डिवाइस इज यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी कॉन्ट्रासेप्टिव की बैरियर डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, डच कैप, वजाइनल स्पंज या फिर प्रोजेस्टासाइड। तो यहाँ पर डायफ्राम, डच कैप, वजाइनल स्पंज है। प्रोजेस्टासाइड जिसको मेरेना,
जो आपके लिए मिरेना पढ़ाई गई है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा, ये वही है। क्या है ये? है आपकी मिरेना। तो यहाँ पर इसी मिरेना के लिए कहा गया है प्रोजेस्टासाइड, और ये IUCD की कैटेगरी में जाएगी, हार्मोनल IUCD में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टासाइड। क्लियर। नेक्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड एज। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो अभी लास्ट वीक में एक क्लास ली गई थी आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जिसमें तीनों जनरेशन की IUCD पढ़ाई थी मैंने। पूरा जो PPT बेस्ड क्लास थी उसमें भी आपको बताया गया है कि जो जनरेशन है IUCD की वो कौन सी है। तो यहाँ पे कहा है कि नॉन मेडिकेटेड। क्या है? नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड कहलाती है फर्स्ट जनरेशन IUD, जैसे कि लिपेज लूप हो गया, किस में आएंगी? फर्स्ट जनरेशन IUCD में। ये क्या करती हैं? कॉपर को रिलीज करती हैं। कौन सी? कॉपर को रिलीज करेंगी। फिर आपकी आती है सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में तो मेनली हार्मोन रिलीजिंग IUCD आएंगी, वो कौन कौन सी? प्रोजेस्टासाइड और मिरेना, सॉरी LNG के लिए। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइड के लिए प्रोजेस्टासाइड ही कहा गया, LNG के लिए मिरेना कहा गया है क्वेश्चन नंबर 56 में। जो प्रोजेस्टासाइड है इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा वही रहेगा, लेकिन जो LNG है, क्या है? LNG है, इसके लिए क्या कहा गया है? मिरेना। तो यहाँ पर जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस है वो क्या कहलाएंगी? फर्स्ट जनरेशन की IUCD। क्लियर है? थर्ड जनरेशन में आपकी मिरेना और IUG आ जाएगी, सॉरी मिरेना और LNG आ जाएगी। फिर आपकी आती है सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में जो आपकी आएंगी उसमें जनरली कॉपर आयन वाली आएंगी, जैसे कि कॉपर टी हो गया या फिर कॉपर टी 380 हो गया, 375 हो गया। तो सेकेंड जनरेशन की होंगी। थर्ड की जो भी हार्मोनल होंगी वो होंगी, जिसमें प्रोजेस्टासाइड और मिरेना आएगा। फर्स्ट में आपका आएगा लिपेज लूप और नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस, जिनको हम कहेंगे। नेक्स्ट वन इज द एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रायूटराइन डिवाइस। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेट है, आप ऐसे केस में IUCD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। वन लाइफ चाइल्ड हो, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, टू लिव चिल्ड्रन हो या फिर वर्किंग वूमेन हो। तो यदि प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हो तो ऐसे केस में आप IUD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यदि मरीज को कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम है या फिर कुछ ब्लीडिंग डिसीज है, तब भी आप IUD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं IUD इंसर्ट करने के। नेक्स्ट वन इज द ऑल द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड मेथड ऑफ पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिशन मेथड सब हैं किसी एक को छोड़कर। मेफेप्रोस्टोन, लेवोनोजास्ट्रोल 0.75 mg, इंसर्शन ऑफ कॉपर टी विद इन 5 days, स्पर्मिसाइडल जेली। पोस्ट क्वाइटल मेथड है सब किसी एक को छोड़कर, तो वो होगी स्पर्मिसाइडल जेली। ये बिफोर इंटरकोर्स के यूज़ की जाती है जेली, ताकि जो सीमेन से स्पर्म निकले उनको मारा जा सके। लेकिन पोस्ट क्वाइटल में आपकी मिफेप्रोस्टोन 10 mg आ जाएगा, फिर यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रोल 0.75 mg, जो IKEN IPL है वो है, कॉपर टी आ जाएंगी, सब पोस्ट क्वाइटल में आएंगी, लेकिन स्पर्मिसाइडल जेली नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्टेबल। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली और इंजेक्टेबल भी है, तो क्या है? नॉरप्लांट, नॉरप्लांट R2, वेजाइनल रिंग्स या फिर DMPA। सबको पता है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली कौन सी है, वो DMPA, एवरी 3 month में इंजेक्ट किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्शन है, जिसके फेलियर रेट बहुत ही कम होते हैं इसमें, हर 3 महीने में, जिसको हम शॉर्ट इंजेक्शन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल रहेगा। और एक गवर्नमेंट में जो नया प्रोग्राम है अंतरा, उसके तहत अंतरा इसी का नाम है, जिसका DMPA का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट इज गिवन टू इन्हेंस द एडोलेसेंट न्यूट्रिशन। तो एडोलेसेंट में न्यूट्रिशन को इन्हेंस करने के लिए कौन से सप्लीमेंट दिए जाएंगे? विटामिन ए, मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स, आयरन फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12।
तो एडोलेसेंट न्यूट्रिशन में जो ऐड किया जाएगा होगा आयरन एंड फॉलिक एसिड, ताकि इसी एज में एनीमिया होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आप जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो होते हैं आयरन और फॉलिक एसिड। इसके लिए वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम भी लाया गया है, WIFS प्रोग्राम, उसके थ्रू आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं जो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्रायोरिटी इंटरवेंशन कैरिड आउट बाय एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम और ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम के तहत सभी इंटरवेंशन अपनाए जाते हैं किसी एक को छोड़कर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बताया जाता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा यहाँ पे आपका, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन होगा, एडोलेसेंट एजुकेशन होगा। तो हेल्थ प्रोग्राम की यहाँ पे जब बात हो रही है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बताया जाएगा आपको, हेल्थ चेकअप के बारे में बताया जाएगा, न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाएगा और यहाँ पर एडोलेसेंट के जो सेक्सुअल एजुकेशन है या फिर किस तरीके से आप एक्सीडेंट से, सुसाइड से, इन सब से बच सकते हैं वो आएगा, लेकिन एडोलेसेंट एजुकेशन इसके पार्ट में नहीं आएगा, प्रायोरिटी इंटरवेंशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अंडर द मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम और ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है जिसमें एक ब्लेज गर्ल पैड लिए हुए हैं, वो मैंने एक इमेज के साथ आपको पढ़ाया था, तो वही है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। अब स्कीम के तहत सभी एक्टिविटी होंगी, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिंस, सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिंस, ट्रेनिंग ऑफ आशा या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ CHO इन एवरी स्कूल। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत सैनिटरी नैपकिंस की अवेलेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा, सेफ डिस्पोजल, आप यूज़ करने के बाद सैनिटरी पैड को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन हर एक स्कूल में CHO के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा, CHO हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर, वहीं पे अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज अ हाईली स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस HIV इन्फेक्शन इज। तो HIV इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाएगा, रैपिड, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनोएसे, नन ऑफ दी अबव। जब भी आपको एग्जाम में HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा जाता है तब आप आँख बंद करके वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इससे कंफर्म होगा, क्या होगा, कंफर्म होगा कि HIV एड्स है या नहीं। यदि ओनली यहाँ पर एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं हम, तो स्क्रीनिंग में एलिजा भी किया जा सकता है, लेकिन HIV में कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न इंक ब्लॉट टेस्ट। यदि यहाँ पर CD4 T सेल्स काउंट होता है तो वो होता है 200 से भी कम, लेस देन 200। नेक्स्ट वन इज़ द ओनली नोन रिजर्वर ऑफ यॉस डिसीजेस। तो जो यॉस डिसीजेस का रिजर्वर कौन है, बर्ड्स, बग्स, मंकीज या फिर ह्यूमन। तो जो यॉस डिसीज है इसका रिजर्वर कौन है, तो यहाँ पर इसका रिजर्वर होगा क्या, ह्यूमन बीइंग, क्या है, ह्यूमन बीइंग, जो कि एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्किन बोन्स और कार्टिलेज को अफेक्ट करेगा, क्या है, स्किन बोन और कार्टिलेज को अफेक्ट करेगा। यॉस डिसीज में एक ये भी हम कह सकते हैं नॉन कैंसरस टाइप के लम्स बनेंगे, अल्सर्स बनेंगे, जो कि ट्रिप्नोवा पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा और ये पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में है जो एंट्री करेगा, और ये बाद में जाके जो वेनरल डिसीज है, क्या है, वेनरल डिसीज जिसको हम सिफिलिस कहते हैं, वो भी आगे जाके कॉज कर सकता है, क्योंकि सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्रिप्नोवा पैलेडियम, और ट्रिप्नोमा ही क्या कॉज कर देता है यहाँ पे, यॉस डिसीज। तो यहाँ पर इसका रिजर्वर कौन हो गया, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द रैस इन चिकन पॉक्स इज दैट ऑल द स्टेजेस ऑफ रैसेस मे बी सीन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम इन द सेम एरिया, दिस इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रैसेस आ रहे हैं चिकन पॉक्स में, जो ऑल स्टेज है यहाँ पर रैसेस पूरे एक ही बार में पूरी बॉडी पे आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रैपिड एवोल्यूशन, ये कहलाते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। चिकन पॉक्स के रैसेस आते हैं प्लियोमॉर्फिज्म नेचर में, किसमें, प्लियोमॉर्फिज्म नेचर में। यदि जो मीजल्स के पूछते हैं तो वो जो कॉप्लिक स्पॉट्स आते हैं वो आपके आएंगे, और जो मीजल्स का सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पीरियड होता है तब, जब जो पैचेस आ गए हैं, जो स्कैब है
रिमूव हो उस टाइम पे। लेकिन चिकन पॉक्स में पूछते हैं कि एक ही बार में एक सेम एरिया पे यदि रेसेस आते हैं तो पूरा क्या कहलाएगा, प्लियोमॉर्फिज्म नेचर। नेक्स्ट इज वेरिसेला वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्सन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो वेरिसेला वैक्सीन किस पर्सन में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, एलर्जी टू नियोमाइसिन, क्लिनिकली स्टेबल चिल्ड्रन विथ HIV, चिल्ड्रन लेस देन 1-8 मंथ या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन। किस बच्चे में वेरिसेला वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी या फिर किस पर्सन में, यहाँ पर आप लोग इसका आंसर मार्क कीजिए कि वेरिसेला वैक्सीन है जो किस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, तो वो होगा एलर्जी टू नियोमाइसिन। क्या है, एलर्जी टू नियोमाइसिन। यदि किसी पर्सन को नियोमाइसिन से एक तरीके से हमें कह सकते हैं एलर्जी हो, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, इस वैक्सीन को अवॉइड किया जाएगा। यदि किसी को एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है जिलेटिन से, नियोमाइसिन से, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, इस वैक्सीन को अवॉइड किया जाएगा। और इसलिए क्योंकि वेरिसेला वैक्सीन में क्या होता है, वेरिसेला वैक्सीन में नियोमाइसिन रहेगा, 25 μg ऑफ नियोमाइसिन पर डोज रहेगा, इसीलिए एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, तो इसीलिए क्या किया जाएगा, इसमें अवॉइड किया जाएगा इस केस में। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी टू मीजल्स। वही मैंने आपको बताया कि मीजल्स का कम्युनिकेबिलिटी पीरियड क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाला ड्यूरेशन कौन सा होगा। 1 day बिफोर एंड 1 day आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर अपीयरेंस रेसेस, 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर, 10 days बिफोर एंड 10 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। तो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड जो सबसे ज़्यादा होगा मीजल्स का, वो होगा 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, रेसेस आने के 4 दिन पहले और 4 दिन आने के बाद का जो पीरियड है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल पीरियड रहेगा। नेक्स्ट इज When there is a sudden, complete or major change in the antigenic variation, it's called as. तो antigenic variation में suddenly कुछ change देखने को मिलते हैं तो ये क्या कहलाएगा, drift, shift, change या फिर evolution। तो ये कहलाएगा shift होना, क्योंकि पूरा changes हो गया है यहाँ पर, completely change हो गया है जब, तो ये कहलाएगा क्या, shift। Next one is the sign of very severe disease in under 5 children are all the following except. अंडर 5 का मतलब है कि जिन बच्चों की एज 5 साल से भी कम है, क्या है, जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, उनमें सीवियर डिसीज़ के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, कन्वल्जन्स, सीवियर माल न्यूट्रिशन, स्टेरॉइडल इन काम चाइल्ड या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। कन्वल्जन्स जो बच्चे को कब आते हैं, जब बहुत हाई फीवर होता है तब, या फिर किसी और केस में भी कन्वल्जन्स आ सकते हैं, हेड इंजरी हुई है तब भी आ सकते हैं। माल न्यूट्रिशन, सीवियर माल नरिस्ड बच्चा, ये भी सीवियर डिसीज में आएगा। स्ट्रॉइडर इन काम चाइल्ड, स्ट्रॉइडर इन काम चाइल्ड का मतलब बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का है लेकिन उसमें स्ट्रॉइडर देखने को मिलते हैं, तो लेकिन बच्चे की भूख ना लगना, ये किसी भी तरीके के लॉस ऑफ एपेटाइट किसी भी रीजन से हो सकती है लेकिन सीवियर डिसीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लाई अटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर H1N1 इज गिवन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। H1N1 स्वाइन फ्लू की वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, ओरल या फिर नेजल स्प्रे। तो रिसेंट में अभी H3N2 भी फैला हुआ है जिसको सीजनल फ्लू नाम दिया है डॉक्टर्स ने, तो यहाँ पर H1N1 जो फ्लू है इसके लिए वैक्सीन दी जाती है नेजल स्प्रे से। इंडिया में भी जो वैक्सीन बनी है, पहली वैक्सीन बनी है जो नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन अ HIV पॉजिटिव पर्सन द ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन द इंड्यूरेटेड एरिया रीच विच ऑफ द फॉलोइंग साइज। तो HIV वाले मरीज में TB होने के चांस 90% तक होते हैं कि उसको HIV, साथ में TB भी हो जाएगी, ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगी, जब उसमें माउंटेक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट किया जाता है, PPD इंजेक्ट की जाती है इंट्राडर्मली, कितने एरिया में पता चलेगा कि पर्सन है जो HIV पॉजिटिव है, more than 3, more than 5, more than 1 या फिर more than 0.5 mm। तो होगा more than 5 mm, जनरली ओनली TB के लिए बस कहते हैं, तो more than 10 होता, कितना 10, more than 10 mm, लेकिन
HIV पॉजिटिव पर्सन में TB का स्किन टेस्ट किया जाता है, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा यदि मोर देन 5 mm डायमीटर हो तो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबर क्लोसिस ड्रग, ये एग्जाम में आता है आपको, बैक्टीरियोस्टैटिक ट्यूबर क्लोसिस ड्रग कौन सी है टीबी की, रिफामसिन, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर पायरेजिनामाइड। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है इथाम्ब्यूटॉल, कौन सी, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन से होगा एड्स क्रैनियल नर्व डैमेज, आपकी सुनाई देना बंद हो जाएगा। रिफामसिन से रेड ऑरेंज कलर की यूरिन आएगी, तो यहाँ पर आपको ये क्या है साइड इफेक्ट आते हैं एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है क्योंकि ये बेबी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स रिप्रेजेंट ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एज पर ESC गाइडलाइन है। मैंने जो ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक है सेकंड शॉर्ट चैनल उस पर बहुत अच्छे से BP पढ़ाया है। ब्लड प्रेशर का फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन कब कहलाएगा, लेस देन 120, लेस देन 80, 120 टू 129 सिस्टोलिक होगा और 80 टू 84 डायस्टोलिक होगा, 130 टू 139 सिस्टोलिक और 85 टू 89 डायस्टोलिक, 140 टू 159 सिस्टोलिक और 90 टू 99 डायस्टोलिक। तो यहाँ पर ESC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 140 से 159 हो जाए फर्स्ट हाइपरटेंशन, जो सिस्टोलिक BP है यहाँ पे, जो फर्स्ट यदि दो नंबरिंग होती है ब्लड प्रेशर में, एक होती है सिस्टोलिक जो अपर नंबरिंग कहलाती है, दूसरी होती है डायस्टोलिक। तो ESC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो ब्लड प्रेशर है क्या है BP है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड का कहलाएगा, क्या ग्रेड फर्स्ट का ब्लड प्रेशर कहलाएगा, उसमें सिस्टोलिक बढ़ेगा 140 से 159 और डायस्टोलिक बढ़ेगा 90 से 99 तक, कितना 90 से 99 तक। नेक्स्ट इज लेकिन यदि यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि यदि आपसे पूछते हैं कि BP आपको सेकंड ग्रेड का पूछें तब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितने, ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक, लेकिन यदि ग्रेड सेकंड में पूछें तो 160 से 179 क्या है 160 टू 179 होगा सिस्टोलिक, डायस्टोलिक होगा 100 से 109। ग्रेड थर्ड में मोर देन 180 होगा सिस्टोलिक और मोर देन 110 होगा डायस्टोलिक, ये क्या है गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू ESC के। लेकिन यदि आपको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग पूछते हैं तब आपको यदि कहते हैं स्टेज फर्स्ट, तो आप कहेंगे 130 से 139 सिस्टोलिक और 85 से 89 डायस्टोलिक, क्लियर। स्टेज सेकंड का पूछें तो 140 से 90 140/90 होगा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज में, सेकंड ग्रेड में। लेकिन ग्रेड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ESC गाइडलाइन के पूछा है, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको याद रखना ESC के अकॉर्डिंग पूछा है तो आप मार्क कीजिए। यदि आपको पूछा है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, आप सी मार्क कीजिए। नेक्स्ट इज द मेन वेपन्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर प्री इन्वेसिव और प्री मैलिग्नेंट स्टेजेस। प्री इन्वेसिव और प्री मैलिग्नेंट स्टेज के पहले ही आप कैंसर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, कैंसर स्क्रीनिंग से कि एक्सरे से। तो एक्सरे ना तो कैंसर एक्सरे से डिटेक्ट होगा, ना फिजिकल एग्जामिनेशन से होगा, ना हिस्ट्री से होगा। कैंसर डिटेक्ट होता है जनरली किससे, ऑटोप्सी से, तो यहाँ पर बायोप्सी के थ्रू कैंसर की सेल्स ली जाएंगी, टेस्टिंग की जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर कैंसर स्क्रीनिंग के थ्रू आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड अक्रेंस विच में इन्वॉल्व इंजरी इज कॉल्ड एज। तो अनप्लान्ड, आपने सोचा भी नहीं था और आप छत पे से गिर गए, आपने सोचा भी नहीं था बाइक से जाके भिड़ गए कहीं, यहाँ पर वही है अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड। कोई भी ऐसी इंजरी आपको हो जाए तो क्या कहलाएगी, फॉल, स्काइडिंग, एक्सीडेंट या फिर असॉल्ट, से कहलाएगा एक्सीडेंट। आपने सोचा भी नहीं था आपके साथ कुछ घटना घट गई, गिर गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर टूट गया, तो ये सब कहलाएगा एक्सीडेंट।
नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रूमेटिक फीवर. तो रूमेटिक फीवर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हार्ट्स एंड जॉइंट्स. क्या है? हार्ट एंड जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं रूमेटिक फीवर में. तो यहाँ पर आपका कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट्स करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज द कार्सिनोमा दैट अकर्स फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स कंस्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज. तो कार्सिनोमा जब मेसोडर्मल सेल्स के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू को भी अफेक्ट करता है तो ये क्या है? लिम्फोमा, सार्कोमा, माइलोमा की कार्सिनोमा. ये कहलाएगा आपका सार्कोमा. जब कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो, कार्सिनोमा हो, तो ये कहलाता है सार्कोमा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर हैज एन एडवांटेज दैट पेशेंट नॉट एक्सपोज टू रेडिएशन. यदि कोई पर्सन रेडिएशन में गया ही नहीं है तो उसके लिए बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए? मेमोग्राफी, थर्मोग्राफी, PET स्कैन या फिर CT स्कैन. तो जो बेस्ट स्क्रीनिंग होगी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, लेकिन पर्सन कभी भी रेडिएशन में नहीं गया, तो यहाँ पर वो क्या होगा? वो होगी थर्मोग्राफी. क्या होगी? थर्मोग्राफी. नेक्स्ट इज अ 25 ईयर ओल्ड मैन विथ अ BMI ऑफ 23 इज कैटेगराइज्ड एज. 25 साल का पर्सन है, 23 BMI है, तो पर्सन क्या है? अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है कि ओबीज है? तो 25 से ज़्यादा जाती है ओबीज में चला जाएगा, 18 से कम आती है तो अंडरवेट में आ जाएगा, 18 से 24 तक जाती है तो नॉर्मल में आ जाएगा. तो यहाँ पर बेस्ड ऑन एज ये क्या कहलाएगा आपका? नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट फॉर स्नैक बाइट. यदि किसी को सांप ने काट दिया तो क्या करेंगे? ब्लीडिंग होगी, वैक्सीन लगाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे कि एंटीवेनम देंगे. स्नैक बाइट में फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा आपका एंटीवेनम. क्या होगा? एंटीवेनम. नेक्स्ट वन इज द अ पर्सन प्रेजेंटिंग विद अ विजुअल एक्विटी लेस देन 6/12 इज कैटेगराइज एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट. यदि विजुअल एक्विटी लेस देन 6/12 है तो यहाँ पर पर्सन को कौन सा क्या होगा? कौन सा विजन इम्पेयरमेंट है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फिर नॉर्मल? तो ये कहलाएगा क्या? माइल्ड. क्या होगा? माइल्ड. नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट दैट इज टेकन एट द मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज एंड द इलियक क्रेस्ट इट्स नोन एज. मेजरमेंट आप कर रहे हैं मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज, रिबकेज के मिड पॉइंट के यहाँ पे और इलियक क्रेस्ट के पास में. तो ये क्या? इलियक क्रेस्ट सर्कमफेरेंस, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हिप साइज या फिर स्किन फोल्ड थिकनेस. तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट ले रहे हैं आप वेस्ट सर्कमफेरेंस का ले रहे हैं, अपनी कमर का साइज चेक कर रहे हैं कि कितने नंबर का जीन्स लगेगा. तो यहाँ पर भी वही है कि मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज एंड द इलियक क्रेस्ट, यहाँ से आप मेजर करते हैं तो आप अपने वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड पर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन व्हेन द कैलोरी इनटेक इज इनएडिक्वेट इज. तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलेगी. इजी क्वेश्चन है, क्लियर. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर इंडियन एडल्ट. ICMR के अकॉर्डिंग इंडियन एडल्ट में कितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी? 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट, 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट, 3 ग्राम पर kg बॉडी वेट या फिर 4 ग्राम पर kg बॉडी वेट. तो ICMR की गाइडलाइंस की हम बात करते हैं, 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट की ज़रूरत पड़ेगी. यदि मेरा वज़न 50 किलोग्राम, यदि आपका वज़न 50 किलोग्राम है तो आपको 1 ग्राम के हिसाब से आपको दिन भर में कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. दांत और हड्डियों के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फॉस्फोरस की, पोटेशियम, सोडियम या फिर आयोडीन की? तो फॉस्फोरस की. किसकी? कैल्शियम और फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है.
नेक्स्ट इज बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ऑरेंज, लेमन, सी फूड, ग्रेप्स। तो आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स होगा समुद्री फूड। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्लोरीन अवेलेबल टू द मैनेज। तो फ्लोरीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? स्पाइनच, वाटर, रेडिस, पेपर, सेलेरी। फ्लोरीन आपके दांतों के लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो डेंटल कैरीज होने लगेगी। तो फ्लोरीन का अच्छा सोर्स है पानी। क्या है? पानी। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे कॉल्ड एज। तो कौन सी प्राइमरी प्रिंसिपल, प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल है जिसमें सर्विसेज सभी को, जिनकी क्षमता है पे करने की या फिर नहीं उनको भी सर्विसेज मिलेगी, तो ये कहलाएगी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड एट द ब्लेज लेवल थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ब्लेज लेवल पे सभी के थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाएगी किसी एक को छोड़कर। आशा स्कीम से दी जाएगी, ICDS से दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी लोकल दाइज को, लेकिन नर्सेस की ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज द नॉर्म ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन आशा फॉर। तो एक आशा 1000 पॉपुलेशन के लिए होती है, बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। एक आशा 1000 पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट इज द पेरीफेरल आउट पोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में क्या है? आउटपोस्ट की जाती है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की। तो इसमें से विलेज हेल्थ सेंटर में, सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। तो रूरल एरिया में तो अभी रिसेंट में सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एज अ CHO के तौर पे आप ही को पोस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कैप्टन ऑफ द हेल्थ टीम एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीम का कैप्टन कौन होता है? नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर या फिर मैनेजर। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर। क्या है? मेडिकल ऑफिसर। सब सेंटर में पूछते हैं तो CHO। नेक्स्ट इज रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड बाय द स्ट्रीट क्लिनजिंग सर्विसेज और स्कैवनिंग इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट क्लिनजिंग सर्विसेज के थ्रू जो भी रिफ्यूज कलेक्ट किया जाता है तो क्या? स्ट्रीट रिफ्यूज। क्या है? स्ट्रीट रिफ्यूज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या फैलेगा? डिसेंट्री, टाइफॉइड, स्केबीज या फिर मलेरिया। तो मलेरिया क्लोज कॉन्टैक्ट से नहीं होगा, ना ही टाइफॉइड होगा, ना ही डिसेंट्री होगी। होगी तो स्केबीज, जो कि एक ईचमाइट इन्फेक्शन है, तो आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट है जो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीप मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट की चीप मेथड क्या है? सी आउटफॉल, रिवर आउटफॉल, ऑक्सीडेशन पॉन्ड या लैंड ट्रीटमेंट। चीप मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट की, वो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ट्रीट वेस्ट दैट कैन नॉट रिसाइकल, रीयूज और डिस्पोज ऑफ इन लैंडफिल साइट। कौन सी मेथड अपनाई जाएगी जिस वेस्ट को ना आप रिसाइकिल कर सकते, रीयूज कर सकते, ना ही डिस्पोज कर सकते हैं? केमिकल, इंसिनरेशन, माइक्रोवेव या फिर ऑटोक्लेविंग। वो होगा इंसिनरेशन, जिसको हम भस्मीकरण के नाम से भी जानेंगे, इसको सीधा जला दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल वेस्ट शुड बी डिस्पोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग। कंटामिनेटेड लेकिन रिसाइकलेबल वेस्ट है, किस कलर में आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे? ब्लैक, ग्रीन, रेड या फिर वाइट। तो ये हम कलेक्ट करेंगे रेड बैग में। ग्रीन में तो रीयूजेबल वेस्ट यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेड में रिसाइकलेबल वेस्ट है जो यूज़ किया जाएगा। जनरली ग्रीन बैग भी अपनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंटामिनेटेड है इसलिए। नेक्स्ट इज द डाइल्यूशन ऑफ एपिनेफ्रिन यूज ड्यूरिंग एंडोस्कोपी फॉर एक्यूट हेमोस्टेसिस। ये क्वेश्चन नॉर्सेट में आता है, SGPGI में आता है, आपको हर एक एग्जाम में आ सकता है, OSSC में भी आ सकता है। एपिनेफ्रिन का डोज डाइल्यूशन कितना होगा? 1/10,000। कितना? 1/10,000। लास्ट है वन कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू और कॉन्टैक्ट विथ फ्लेम, हॉट लिक्विड, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड और हॉट ऑब्जेक्ट। तो जब आप किसी गर्म चीज़ के कारण जलते हैं, खाना हो गया, तेल गिर गया, ऊपर पानी गिर गया, गर्म चाय गिर गई या फिर दाल चावल गिर गए, तो वो कौन सा बर्न होगा? रेडिएशन के कारण आप जलते हैं। मान लीजिए आपकी ड्यूटी
जहाँ पर स्कैनिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो वहाँ रेडिएशन के थ्रू यदि आप जलते हैं तो वो रेडिएशन बर्न होगा। केमिकल कोई गिर जाता है आपकी बॉडी पर, एसिड गिर गया तो वो केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल में करंट लग के जल गए, थर्मल बर्न से क्या कहलाएगा, थर्मल बर्न्स। तो आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा हो, आपके कोई भी डाउट हो आपके स्टडी को लेके तो आप कमेंट करके बहुत ही इजीली अपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।